बच्चों तुसी सूचकों के बारे यानी कि इंडिकेटर्स के बारे पहले बहुत सारी असाइनमेंट्स कर लीती हैं और पढ़ भी चुके हो। आज तुहानू आपां प्रैक्टिकल करके दिखाने लगे हाँ। लैब तो है नहीं अपने को, रसोई चो ही कुछ समान इकट्ठा किया तो आप कुदरती सूचकों बारे पढ़ते हैं। सब तो पहला आने आप लिटमस से। आपू पता है भी जेडे लिटमस है ये लाइकनस तो बनते हैं, तो दो तरह के होंगे हैं। ये तुसी देख रहे हो भी एक ब्लू है तो एक की है रैड। ठीक है, हुण आपां देखना है भी यह तेजाबां ते खारां दे उत्ते की प्रभाव दिखाउंदे आ। तो ये अपने कोल है नींबू। ठीक है, तो तुहानू पता है भी नींबू दे विच केड़ा एसिड हुंदा, दसो भला सिट्रिक एसिड। ठीक है जी, चलो हुण आपां की करदे आ, मेरे कोल समान थोड़ा है तो आपां छोटी जी एक स्ट्रिप लै लैंदे आ ब्लू दी, थोड़ी जी लै लैंदे आ रैड दी। आपां इन्हां दोनों स्ट्रिप्स नूं नींबू दे उत्ते लगा के देखते हैं भी किहदा कलर चेंज हुंदा है। आपां नींबू दे रस ते लगाया, देखिया, देखो रैड दा कलर चेंज नहीं होया, पर जिहड़ा ब्लू है देख रहे हो तुसी, ब्लू दा कलर की हो गया, चेंज हो गया, ब्लू की बन गया बच्चो रैड। तो जिहड़े तेजाब ने यह नीले लिटमस पेपर दा रंग लाल कर दिंदे ने, पर लाल लिटमस का रंग नहीं बदलते। हुण आपां लैने आ रैड, हुण आपां अलग 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 तो फेर लैने आ। हुण आपां इन्हां दा खारां ते प्रभाव जानदे आ। खार दे लई मेरे कोल होर कुछ नहीं सी तां मैं ये सोप लीती है। ठीक है, आपां ये सोप ते थोड़ा जिहा पानी पा दिंदे आ, पानी पा के आपां देखदे आ भी ये किस तरह का प्रभाव देंगे। ठीक है, तो ये पहला मैं रैड लिटमस पेपर लिता, तो इस आप रैड लिटमस पेपर नूं मैं सोप के उत्ते लगाया, तो आप देखते हैं सोप से लगाद्या सार ही रैड लिटमस पेपर का रंग की हो गया ब्लू। ठीक है, हुण आप ब्लू नूं देखते हैं कि ब्लू की करता है। ठीक है, आप ब्लू नूं लगा के देखते हैं, पर जिहड़ा ब्लू है उहदा कलर चेंज नहीं हुंदा। तां हुण आपां नूं पता लग गया कि साबण दे विच खार हुंदी है, ते जिहड़े खार ने ये लाल लिटमस दा रंग की कर दिंदे ने, ब्लू कर दिंदे ने। ठीक है बेटे, तो ये तुहानूं लिटमस पेपर की गल समझ आ गई। तो जिहड़ा साडा दूसरा इंडीकेटर है वह है साडी टर्मरिक हल्दी। आ देखो हल्दी, आपां किचन चाम यूज़ करते हैं हल्दी। मैं ना यह फिल्टर पेपर दियां स्ट्रिप्स कट के ते हल्दी लगा लीती सीगी। ठीक है, हुण आपां ये स्ट्रिप्स का देखते हैं इफेक्ट भी ये की करता है। ठीक, पहला आपां हल्दी पेपर नूं तेजाब ते लगा के देखते हैं भी ये की करता है। देखो ये कलर कोई चेंज आती है, तो कोई चेंज नहीं आई हैगी। हुण आपां इस स्ट्रिप नूं आपां खार ते लगा के देखते हैं बेटे। देखो आपां इहनूं सोप नाल लगाया तो कलर की हो गया बिल्कुल रैड। तो जिहड़ी हल्दी हैगी है वो खार दे नाल जदों किरिया करती है तो उहदा रंग की हो जाता है रैड हो जाता है। इस तरह ही देखो मैं एक कपड़े ते जिवें आपां घर दे पौणियां ते लग जांदी है हल्दी दे दाग लग जांदे हैं। ठीक है, तो जदों आप मैनूं थोड़ा गिला कर लैनी आ, तो जदों आपां इहनूं सोप दे नाल धोंदे आ तो देखो रैड इहदा कलर की हो जाएगा। देखो रैड हो गया ना कलर। तो हुण तुसी याद रखना है कि जिहड़ी हल्दी है नैचुरल इंडीकेटर है, ये तेजाब दे नाल कोई रंग नहीं बदलती, पर खार दे नाल इहदा रंग की हो जाता है रैड। देखो तुसी ध्यान नाल देख सकते हो किस तरह का रंग की हो गया रैड। तो बेटे जिहड़ा साडा तीसरा इंडीकेटर है वह है चाइना रोज़। ये मैं लैके आई सी चाइना रोज़ बाहरों तोड़ के, मैनूं इक्को फ्लावर मिलिया। ये इस तरह लगा हुंदा बूटे दे नाल। ठीक है, तो इस दे जिहड़े पैटल्स सीगे उस नूं तोड़ के मैं रगड़िया, रगड़ के एक स्ट्रिप बनाई। इस तरह रगड़ना है बेटे, रगड़ के स्ट्रिप बनाई। ठीक है, तो ये मैं एक स्ट्रिप बनाई पई है। हुण आपां देखदे हां वी ये तेजाब ते खार ते की प्रभाव पैंदा है। आपां इहदे वी दो पीस जिहड़े हैगे आ उह कट लैणे आ। ठीक है, पहलां आपां देखदे हां
कि ये नींबू दे नाल की इफेक्ट करता है। देखो जदों चाइना रोज़ दे पेपर नूं मैं नींबू ते लगाया तो देखो इहदा रंग की हो गया, मजेंटा कलर हो गया। ठीक है, तो हुण मैं हुण ऐसे नूं चाइना रोज़ पेपर नूं मैं लगानी हाँ सोप सल्यूशन पर। ठीक है, सोप ते थोड़ा जिहा आपां पानी लगा लैंदे हाँ, पानी लगा के देखदे हाँ। तो देखो कितना ब्यूटीफुल, देखो ग्रीन कलर आ गया बेटे। तो जिहड़ा चाइना रोज़ है इहदा पेपर बेस दे नाल ग्रीन कलर दिंदा है और एसिड्स दे नाल केड़ा कलर दिंदा है, मैजेंटा कलर दिंदा है। मैनू आस है भी तुहानू यह तीनों इंडीकेटर्स के बारे पता लग गया होएगा। ठीक है, लिटमस पेपर दो तरह के तैयार होंगे है, ये लाइकन्स तो ठीक, और अपनी टर्मरिक एंड थर्डली चाइना। थैंक यू।